जियो कंपनी की ओर से 5G इंटरनेट स्पीड की लॉन्चिंग के अवसर पर एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें शहर विधायक आकाश सक्सेना ने पहुंचकर फीता काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आपको बताते चलें, जनपद रामपुर में थाना सिवलाइन क्षेत्र के मंथन रेस्टोरेंट में जियो कंपनी की ओर से 5G स्पीड इंटरनेट लॉन्चिंग के अवसर पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें शहर विधायक आकाश सक्सेना ने कार्यक्रम में पहुंचकर फीता काट कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं इस मौके पर जियो कंपनी की ओर से शहर विधायक आकाश सक्सेना को सम्मानित भी किया गया। साथ ही जियो कंपनी की ओर से अधिकारियों ने कहा कि अब जियो नेट इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि अब सभी को 5G की स्पीड मिलेगी। वहीं इसको लेकर शहर विधायक आकाश सक्सेना ने और क्या कहा, अब आइए सुनते हैं। कि अभी जो इन्वेस्टर समिट हुई थी उसमें ये कहा गया था कि जियो के द्वारा 75,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में आया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और आज इसी की शुरुआत रामपुर जनपद से की जा रही है, जिसमें अगर आप देख सकते हैं कि आज जो 5G स्टार्ट हो रहा है, स्पीड है 35। तो इससे रामपुर के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी पूरे एक नई शुरुआत होगी। और मुझे लगता है जो रामपुर में आज जो 5G की लॉन्चिंग हो रही है, इसका असर रामपुर के कारोबार, रामपुर के आम आदमी पर और रामपुर के हर उस तबके को पड़ेगा जो इंटरनेट का इस्तेमाल करता है। मेरी पूरी शुभकामनाएं सब आपके साथ है और मैं विश्वास करता हूँ कि कंपनी इसी तरीके से हमेशा रामपुर को आगे बढ़ाने के लिए इसी तरीके से। थैंक यू वेरी मच।